बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन खत्म हो गया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इस मामले पर अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया। लालू यादव ने रविवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्या हम हारने के लिए कांग्रेस का साथ देते हैं। सुनिए उनका ये बयान। आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण दास भक्त तो न रही है, उसको कुछ पता है? भक्त चरण दास दरअसल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मीडिया ने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर सवाल किया था। सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए कांग्रेस को सीट देते हैं हम, जमानत जब्त कराने के लिए उनका साथ देते हैं। पूछे गए सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के चक्कर में ना रहें, उन्हें अपना पता नहीं। इससे पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि उनकी पार्टी 2024 में राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी हमें सम्मान नहीं दे सकता तो हम उन्हें सम्मान कैसे दे सकते हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन उस समय टूट गया जब उनमें कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। कह रहे हैं कि हम अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि वो सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।